हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फूडीज टॉक। आज हम बनाने जा रहे हैं टिरामिसू केक। टिरामिसू एक बहुत ही फेमस इटालियन डिज़र्ट है। बनाने में ये बेहद आसान है और टेस्ट में लाजवाब। ओरिजिनल टिरामिसू की रेसिपी में एग योक्स पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एगलेस टिरामिसू केक बनाएंगे। लेकिन अंडे नहीं डाल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अच्छा नहीं बनेगा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और मैंने टिरामिसू को केक के फॉर्म में असेंबल किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको डिश में भी असेंबल कर सकते हैं, इसके टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो चलिए टिरामिसू बनाना शुरू करते हैं। तो टिरामिसू बनाने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाकर तैयार करेंगे। तो एक बोल में हम डालेंगे गर्म पानी। अब इसमें हम डालेंगे अराउंड 4 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर। आपके पास जो भी कॉफ़ी पाउडर आप वो यूज़ कर सकते हैं, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसको हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे, और जब तक कॉफ़ी ठंडी हो रही तब तक हम व्हिपिंग क्रीम को बीट कर लेंगे। तो एक बोल में डालेंगे एकदम चिल्ड 2 कप व्हिपिंग क्रीम, और इसको हम बीट करेंगे। तो 2 मिनट इसको बीट करने के बाद हम इसमें डालेंगे वेनिला एक्स्ट्रैक्ट। अब इसमें हम डाल देंगे पिसी हुई चीनी। तो 1 कप के आसपास पिसी हुई चीनी मैंने इसमें डाली है, और अब हम इसको फिर से बीट करेंगे। आपको जितना मीठा पसंद हो उसके हिसाब से आप चीनी को घटा या बढ़ा सकते हैं। अब इसको हम तब तक बीट करेंगे जब तक क्रीम थोड़ी सी थिक नहीं हो जाती। तो क्रीम को मैंने बीट कर लिया, और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए। इस वक्त आपको बस इसको इतना ही बीट करना है। अगर ज़्यादा बीट कर लिया अभी, तो अभी हम इसमें जो चीज़ डालेंगे वो डालकर भी बीट करेंगे, तो फिर क्रीम में से बटर सेपरेट हो जाएगा और हमारी क्रीम ख़राब हो जाएगी। तो अब हम इसमें डालेंगे इस रेसिपी का सबसे इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट, मास्कारपोने चीज़। इसको आपको स्किप नहीं करना है, इसको इसमें ज़रूर डालना है। अब इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, और इसको हम फिर से बीट करेंगे। अब हम क्रीम को अच्छे से थिक होने तक बीट करेंगे। तो क्रीम को मैंने चीज़ के साथ अच्छे से बीट कर लिया, और ये काफ़ी थिक हो चुकी है। तो अब क्रीम हमारी तैयार है, अब हम इसको साइड में रखेंगे, और अब हम केक को असेंबल करेंगे। तो टिरामिसू केक के लिए यूज़ होते हैं लेडी फिंगर बिस्किट्स। ये बिस्किट्स आपको बहुत आराम से बाज़ार में मिल जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है केक बोर्ड, इसके ऊपर मैंने रखा है केक रिंग, और इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा रखा है। अब इसके अंदर हम लेडी फिंगर बिस्किट रखेंगे। तो लेडी फिंगर बिस्किट इसमें आराम से आ नहीं पाए, साइड से ये इसमें फिट नहीं हो पा रहा, तो मैं इसको ग्रेटर से साइड से थोड़ा सा इसको ग्रेट कर रही हूँ, ताकि इसकी जो एजेस हैं वो आराम से केक रिंग के अंदर फिट हो जाएं। तो अब ये बिस्किट इस मोल्ड के हिसाब से बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब हम बिस्किट को जो हमने कॉफ़ी तैयार करी थी उसमें डिप करेंगे, और बहुत ही लाइटली आपको डिप करना है। बहुत देर के लिए इसको डिप नहीं करना है आपको, नहीं तो ये बिस्किट सॉफ्ट हो जाएगा। और डिप करने के बाद फ़ौरन आप इसको मोल्ड में रख दें। तो इस तरह से कॉफ़ी में डिप करके आपको बिस्किट की एक लेयर लगा देनी है, और जहाँ जहाँ पर आपको स्पेस दिखे वहाँ पर छोटा छोटा टुकड़ा बिस्किट का तोड़कर आप कॉफ़ी में डिप करके लगा दें। अब इस पर हम एक लेयर लगाएंगे क्रीम की। क्रीम को इवनली स्प्रेड कर लेंगे, और इसको हम बेंच स्क्रेपर से स्मूथ कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे कोको पाउडर। अब इसके ऊपर फिर से बिस्किट्स की लेयर लगाएंगे कॉफी में डिप करके, और इसके ऊपर हम क्रीम की लेयर लगा देंगे। तो टिरामिसू केक को मैंने असेंबल कर लिया। अब इसको हम 10 से 12 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। तो अराउंड 12 आवर्स हो चुके हैं। अब केक को मैंने फ्रिज से निकाल लिया, अब इसको हम मोल्ड से निकालेंगे। और साइड से अगर आपको थोड़ी बहुत कॉफ़ी दिखे, क्योंकि हमने बिस्किट्स को कॉफ़ी में डिप किया था तो थोड़ी बहुत कॉफ़ी लीक कर जाती है, तो आप उसको नैपकिन से पोंछ दीजिए। अब हम केक रिंग को लूज़ करेंगे और इसको हटा देंगे, और बटर पेपर निकाल देंगे। टिरामिसू केक हमारा तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे, और सर्व करने से जस्ट पहले हम इसके ऊपर डस्ट करेंगे कोको पाउडर। अगर पहले से इस पर कोको पाउडर डस्ट कर देंगे तो जो क्रीम हमने इस पर लगाई है उसका जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करके कोको पाउडर डार्क कलर का हो जाएगा, और फिर केक दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए सर्व करने से जस्ट पहले ही इसके ऊपर आप कोको पाउडर डस्ट करिएगा। तो बहुत ही मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाला टिरामिसू केक तैयार है। और ये कितनी आसानी से बन गया ये आपने अभी वीडियो में देखा। हार्डली आधा घंटा लगा होगा इसको मुझे तैयार करने में, और मैंने इसको क्योंकि केक रिंग के अंदर असेंबल किया तो इसलिए मुझे आधा घंटा लग गया। लेकिन अगर आप इसको किसी डिश में असेंबल करेंगे तो आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको तैयार करने में। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको एक थम्स अप दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है। तो एक बार फिर मिलूंगी आपसे एक और बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।